यहाँ से ले लेता हूँ एप्लीकेशन, और यहाँ से भी मुझे ड्राफ्टिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे ड्राफ्टिंग में, और इसमें एक चीज़ वही सेम ही है कि माना आपने ड्राफ्टिंग कर ली और आपने किसी पार्ट की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, तो चेंज होके यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। या आपने किसी पार्ट की डायमेंशन चेंज कर दी या शेप चेंज कर दी है, तो वो भी यहाँ पे असेंबली ड्राफ्टिंग में आप अपडेट करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हमने करा। नेक्स्ट, ऑरिएंटेशन मुझे ठीक ही लग रहा है ना, ऑरिएंटेशन मुझे ठीक ही लग रहा है इसका। तो और यहाँ से आप करिए शेडिंग, प्रीव्यू शेडिंग में आ रहा है, नेक्स्ट करते हैं। और फ्रंट बैक साइड नेक्स्ट कर दीजिए। ये 6 व्यू आ रहे हैं जो कि ऑरेंज से येलो से आ रहे हैं कलर ना, ये 6 आ रहे हैं। आप किसी को भी ऐड करना चाहते हो ऐड हो जाएगा, और ये रहा एक और आगे एक्स्ट्रा है ना, तो ये ऑटो स्केल हो जाएगा ताकि आपके जो व्यू हैं वो प्रॉपरली आ जाएं, ठीक है। और फिनिश, अभी ये क्लिक किया, और इससे जब आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके शेडिंग, और शेडिंग में जाके आप इसको शेडिंग में रख सकते हो। ये भी शायद हमने कर लिया था ना, उठाता रहा, ठीक, शेडिंग में आ जाएगा, कोई 3D का व्यू है आपको तो। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से डायमेंशन। अब डायमेंशन के लिए मैं यहाँ से रैपिड में जाता हूँ, या असेंबली वाले लगा लेते हैं पहले, है ना, असेंबली के जो काम के हैं, जैसे ये पार्ट लिस्ट है और बैलून है। तो मैंने क्या किया, पार्ट लिस्ट लिया, और पार्ट लिस्ट लेके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हमारे पार्ट लिस्ट आ गई है, जो जो मेरे पास पार्ट हैं उनके पार्ट के नाम, ठीक है जी। और इधर से आप किसी को भी ड्रैग का छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सीरियल नंबर आ गया, पार्ट का नेम आ गया, क्वांटिटी आ गई, वो सब पूरी टेबल बनी भी आ गई है, पूरी टेबल ऑटोमेटिक आ गई है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन ये आएगा असेंबली के केस में, है ना, क्योंकि असेंबली है, जो भी पार्ट के नाम आपने यहाँ पे डाल रखे हैं, ये नाम डाल रखे हैं ना, लार्ज रेबिट 2, तो ये वाले 2 हैं, ये देखो लार्ज रेबिट 2, ठीक है ना, तो वो यहाँ से नाम भी ले लेगा, पार्ट लिस्ट है। फिर मैंने इसे क्लिक किया, और मैं यहाँ से करता हूँ ऑटो बैलून, और इसे ओके, कौन से वाले में चाहिए, आइसोमेट्रिक में ले लेते हैं, या ट्राइमेट्रिक ये वाला है ना, और ओके, ये आपके बैलून के नंबरिंग आ गई है। कौन कौन सा है, कौन से नंबर का है, वो आपको लिस्ट में भी दिख रहा है, ठीक है ना। अंडू, और से देखिए यहाँ से क्या लेंगे आप, लेंगे ऑटो बैलून, और ऑटो बैलून के अंदर ये कह रहा है पार्ट लिस्ट, पार्ट लिस्ट है मेरी ये वाली, इस पार्ट लिस्ट से जनरेट करेगा, ओके। और कहाँ पे आप रखना चाहते हो, आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक भी मेरा ये वाला है, ओके, तो आइसोमेट्रिक में आ गया। आप ड्रैग करके फिर में प्लेस कर लीजिए जहाँ पे आपको पोजिशन ठीक लग रही है, तो ये बैलून बने हुए आ जाएंगे इसके ऊपर। और टेबुलर नोट, हाँ टेबुलर नोट में आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, तो है ना, ये टेबल एक मेरे पास आ गए, स्पेस वैसे यहाँ पे मुझे कम लग रहा है लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने क्लिक किया, ठीक है। और एक ये टेबल आ गई, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे है, विड्थ यहाँ पे आ रही है, और प्लेस कर दिया हमने से। इसके बाद भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है, आप ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग कॉलम को बड़ा या छोटा कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा ले लीजिए ताकि आपके इसमें फिट हो जाए। किसी भी कॉलम पे गए, और यहाँ से जाके आप रिसाइज, ये एक्सेल वाला ही जैसे है ना, इंसर्ट करना चाहते हो रॉ को, तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, बिल्कुल एक्सेल में से काम करते हैं वही वाला काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। माना कोई टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप टेबल के अंदर जाइए और डबल क्लिक, और जो भी लिख दीजिए, ठीक है, नाम आ जाएगा उसके अंदर। तो टेबल अपने अकॉर्डिंग आप फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, ये टेबल बन जाएगी। ये वाले आपकी असेंबली पे ही काम करेंगे, ये वाला भी और ये वाला ही, है ना। अच्छा अभी हम आते हैं इधर डायमेंशन पे, अभी डायमेंशन इस पर लूँगा ना, तो थोड़ा सा चलिए एक
एक को ले लेते हैं इसे और इसे, इन दोनों में से किसी पे ले लेते हैं, इस वाले व्यू को मैं लेता हूँ। पार्ट काफ़ी ज़्यादा है तो डायमेंशन में थोड़ी सी प्रॉपरली दिखेगा नहीं। डायमेंशन रैपिड वही है जो हमने स्केचर में करा था, वही डायमेंशन ही है, उसी तरीके से यहाँ पे लेनी है। क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, ये क्यों आ रहा है जीरो, क्योंकि ये वर्टिकल है। ओके हाँ, तो हम इसे रिसेट कर देते हैं और इसको इंफ्रारेड रख के ये लिया और क्लिक, ठीक है जी। डायमेंशन और इसे मैंने क्लिक किया, ये 30 आ गया ऊपर। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ये सिलेंडर वाला होगा, ये क्या काम करता है, ये आपको सिलेंड्रिकल जो होगी शेप है ना, सिलेंडर ही है, उसका डायमीटर शो करेगा, ये इस जगह पे काम आती है, ये है ना, स्केचर में शायद यूज ना हो पाई हो, यहाँ पे यूज जाएगी। ये भी अगर सिलेंडर है तो इसका भी डायमेंशन ही देगा। पॉइंट पिक नहीं करना है, लाइन पे क्लिक करना होता है, और ये भी लाइन पॉइंट ही ले रहा है ना, तो दूसरा भी मुझे क्लिक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ही ये ले पाएगा और ये यहाँ पे डायमेंशन ठीक नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा फिर ये भी वही है, आगे जाएंगे ये सब वही डायमेंशन, चैम्फर, फिलेट, एंगल, तो जो भी चाहिए आप ले सकते हो यहाँ पे। स्केचर में जैसे यूज किया था वही मेथड यहाँ पे, ठीक है। अभी लेने के बाद आपको कभी भी लगता है कि इसका साइज छोटा या बड़ा है ना, कई बार हमें छोटा लगता है, कई बार बड़ा लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एडिट सेटिंग में जाइए या इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हो आप, है ना, डबल क्लिक करके ओके। और जो हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट में चले गए और टेक्स्ट का डायमेंशन, टेक्स्ट ये 3 का आ रहा है ना, जैसा हमने ड्राफ्टिंग टेक्स्ट में लिया था, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 2 का एंटर, ये 2 का हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ से भी ले सकते हो और ऐसे ही बाकी सब में भी हो सकता है ये। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा डायमेंशनिंग एंड टेबल। इसके बाद जो आता है ये एनोटेशन आता है, एनोटेशन में जाते हैं और टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट मेंशन करना चाहते हैं, कोई लिखना चाहते हैं टेक्स्ट, तो उसके लिए है, यहाँ से लिया हमने, और ये वही ड्राफ्टिंग टेक्स्ट जो हमने एनेक्स कैन में भी लिखा था, है ना, ये वही वाला टेक्स्ट है, और ये ना लिखा हुआ भी देखिए वही आ रहा है, सेटिंग और सब कुछ वैसे ही है। टेक्स्ट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ से ये रहा सेटिंग्स, सेटिंग्स में यहाँ से जाके आप इसका साइज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ओके कर देते हैं इसे। फिर यहाँ से आते हैं, ये है फीचर कंट्रोल फ्रेम और ये है हमारा डाटम फीचर सिंबल, तो डाटम फीचर सिंबल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से इधर से चाहिए आपको, है ना, एंकर पॉइंट ही देखो अपने आप यहाँ से ले रहा है, लेटर वन, ठीक है, अलाइनमेंट या पॉइंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आगे या पॉइंट एक ए, और लेडर क्रिएट विद जॉब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ से लेडर भी क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ से लीजिए आ गए, ठीक है, तो ये लेडर भी साथ में बना हुआ आ जाएगा, इसमें डाटम में आइडेंटिफायर में क्या रखना चाहते हैं आप लेडर, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बैलून, बैलून यहाँ पे आ ही रहे हैं, पहले हमने ऑटो जनरेट करे हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए अगर तो आप ले सकते हो, और ये भी सेम वही लैडर, लैडर चाहिए तो हमने लैडर लिया, और टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दीजिए 11, और क्लिक करते हैं किस वाले पार्ट को चाहिए, इसे क्लिक किया और ये है, ठीक है, जो आपने लिखा होगा वही आएगा बैलून के साथ। सकते हैं ये तब है कि सिंगल पार्ट है तब आपको करना है, तो है ना, तब असेंबली है तो असेंबली में तो डायरेक्टली ले लेगा, और वो भी अपने आप नंबरिंग में ठीक ले लेगा, यहाँ से खुद आप खुद से स्पेसिफाई करना चाहते हैं, या कोई चीज़ छूट गई है आपको लगता नहीं 6 नंबर नहीं होना चाहिए था, इसे डिलीट कर दीजिए, इसको
टेंथ तक तो आ ही रहा है, हमने 11 या 12 देना है तो आप चेंज कर दीजिए, है ना, तो यूज कर सकते हो आप। ये टारगेट पॉइंट सिंबल इतने बस पॉइंट लगाने के लिए, एक लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए। सेंटर मार्क, सेंटर मार्क ऑलरेडी सभी जगह पे आएगा ही आएगा, ठीक है, ये सब जनरेट हो रहा है हर जगह पे, सेंटर मार्क सेंटर मार्क। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं आया है और आप चाहते हो तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाले सेंटर मार्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंटर मार्क नहीं है, आप सेंटर मार्क लगाना चाहते हो सेंटर मार्क लिया, और ये सर्कुलर पे काम करेगा, तो मैंने इसे क्लिक किया और ये सेंटर मार्क आ गया। इसका साइज यहाँ से ड्रैग करके बढ़ाया छोटा भी आप कर सकते हैं सेंटर मार्क क्रिएट करने के लिए। बोल्ड सेंटर मार्क, तो ये बी सी डी या पी सी डी जो होती है उसको डिफाइन करने के लिए है, तो उसके लिए ऐसे होल होने चाहिए जो पी सी डी क्रिएट कर रहे हो, है ना, तभी लेगा। चलो एक बार इनके ऊपर आपको करके दिखाता हूँ, है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली होगा नहीं क्योंकि वो सिलेंड्रिकल पैटर्न में होने चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे मैं इन्हीं को सिलेक्ट करता हूँ, इसी को कंसिडर कर लेगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और एक चौथा ये हो गया, ठीक है, तो चारों से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये बी सी डी है जो दिया हुआ होता है, बेस सर्किल डायमीटर का जो सिंबल है ये वही वाला सिंबल है। फिर यहाँ से सर्कुलर सेंटर लाइन, ये भी वही सेंटर लाइन काम करेगा सर्कुलर में, सेम तरीका सेम प्रोसेस जो अभी यूज किया था वही, टू और ये थ्री, तीनों से जा रहा है लेकिन अब ये डॉटेड होके जा रहा है। सिमेट्रिक सेंटर लाइन, सिमेट्रिक सेंटर लाइन के लिए किसके बीच में आप सिमेट्रिक सेंटर लाइन लेना चाहते हो, एक सेंटर लाइन आ जाएगी फेस से, जो फेस होगा उससे, और ये फेस जहाँ पे आपका गोल फेस होगा है ना वहाँ पे लेगा, बाकी कहीं ऐसा सेक्शन करेगा नहीं। टू डी सेंटर लाइन, सेंटर लाइन जो यहाँ पे चाहिए है ना, सेंटर लाइन ऑलरेडी आ रही है यहाँ पे, ये इसकी भी इसकी भी इसकी भी, है ना, ये सेंटर लाइन ही है, तो किसी को हटा देते हैं जो डायमेंशन करी हुई है, इस वाले में आ जाते हैं, इसे डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से लेते हैं, और ये है मेरे पास 3D सेंटर लाइन और 2D सेंटर, 2D सेंटर लाइन लेते हैं, और मैंने लिया पहला कर और दूसरा कर, इन दोनों के बीच में आ गया ये सेंटर लाइन, कैंसिल। फिर यहाँ से जाते हैं और लेते हैं 3D सेंटर लाइन, 3D सेंटर लाइन के लिए डायरेक्टली सिलेक्शन में अपने आप आ जाएगा पूरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, अगर होगा तो 3D का, 3D का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये ले लेगा। ऑटोमेटिक सेंटर लाइन सेम वही है, ऑटोमेटिक सेंटर लाइन ले लेगा। ऑफसेट सेंटर पॉइंट सिंबल क्लिक, तो ये ऑफसेट पे चला गया, और कितना चाहिए आप वैल्यू भी डाल दोगे तो वैल्यू में भी ले लेगा, इसको कम लेना पड़ेगा, ऐसी एक लाइन आ जाएगी ये 0.5, ठीक है, ठीक है, थ्री शिफ्ट होती जाएगी ऑफसेट लाइन उसके लिए। डाटा फीचर तो ये है, वेल्डिंग का सिंबल है, वेल्डिंग का सिंबल अगर आप कहीं पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए है, और ये डायरेक्टली चल रहा है ना, ये डायरेक्टली चल ही रहा है। आप जॉग क्रिएट करना चाहते हैं जॉग ले लीजिएगा, और यहाँ से क्लिक, किस टाइप का आपका लिखा हुआ आ रहा है सब पे, है ना, बीबल वर्ल्ड है, कौन सी वाला है, बट वर्ल्ड है, कैसा है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस टाइप का भी इसे रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, सिलेक्शन कर लिया, और मैंने चलिए यहाँ पे भी क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है, और ये यहाँ पे ठीक आ नहीं रहा है, रॉन्ग आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद माना अब इसे अगर चेंज करना चाहते हैं, डबल क्लिक करना, अभी से
तो ये खुल के आ गया है ठीक है। और विद जोग, तो जोग के साथ भी आप ले पाओगे, जोग लेंस ये मिल गया और ऐड हो गया इसके साथ। बाकी तो सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप कैसा रखना चाहते हो, वेल्डिंग की लाइन कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए एरो के साइड में, ये सिंबल सब इसके यूज़ होते होंगे, वो सारे सिंबल ही आ रहे हैं। किसी को चेंज करना है चेंज हो जाएगा, कोई टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, इसमें टेक्स्ट लिखना है ठीक है, सब सब इसके आगे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेल्ड और रूट ओपनिंग और डेप्थ ऑफ वेल्ड, वो सब आप इसमें इनपुट कर सकते हैं ठीक है। तो वेल्डिंग को शो करने के लिए बेसिकली ये वाला ऑप्शन है हमारे पास ड्राफ्टिंग में वेल्डिंग के लिए। फिर ये इंटरसेक्शन सिंबल, इंटरसेक्शन सिंबल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारे पास राउंड होगा कॉर्नर, जहाँ पे हमने फ्लिट कर रखा होगा ठीक है। तो इस वाले में आ जाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं इंटरसेक्शन, और ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही है, तो इंटरसेक्ट होकर आगे लाइन दी जाएगी। इसका यूज़ किया कि डायमेंशनिंग अब आप यहाँ से कॉर्नर से कर सकते हो ठीक है। पहले मुझे एग्जैक्टली कॉर्नर नहीं मिल रहा था ना, अब कॉर्नर मिल गया, तो इस कॉर्नर से ऐसे ही इसका कॉर्नर भी होगा, उस कॉर्नर तक आप रखना चाहते हो तो उनके बीच में आप डायमेंशन कर सकते हैं ठीक है। ये मैंने भी क्लिक किया तो अभी सिंपल क्रॉस हैच, ये हैचिंग ही है, आप कहीं पे हैचिंग शो करना चाहते हो तो हैचिंग शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और इसके अंदर ये मेरा सिलेक्शन में आ गया है, प्रीव्यू एक ही आ रही है और यहाँ से सेटिंग्स डिस्टेंस 5 आ रही है, डिस्टेंस को मैंने कर दिया 0.5 और प्रीव्यू ठीक है। और हैचिंग का एंगल कितना करना चाहते हो ठीक है, यहाँ से आप ले लेना। फिर यहाँ से जाते हैं और ये पैटर्न, पैटर्न में भी रिवर्स काफ़ी सारे पैटर्न है, कौन सा वाला रखना चाहते हो वो ले लेंगे, वही आ जाएगा। कलर, कलर भी चेंज हो जाएगी और ओके हैचिंग आ गया। डाटम टारगेट, डाटम टारगेट लिया और इसके अंदर भी सेम वही, ये सिंबल तो सब सेम ही तरीके हैं। लेडर ले लिया, तो लेडर ले लेंगे क्लिक और ठीक ये आ गया हमारा। और इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए आपके चीज है यहाँ पे, इनमें वैल्यू डाल दीजिए या यहाँ से आके भी डबल क्लिक करके इसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हैं। डबल क्लिक किया ये फिर खुल जाएगा और इसके अंदर डाल दीजिए ए वन। इसके बाद आता है इमेज, आपको इमेज लेना चाहते हैं तो इमेज भी डाल सकते हैं, कोई लोगो है अगर आपका, ब्राउज करके ओपन कर लीजिए और जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और इसकी पोजीशन आप कहाँ पे रखना चाहते हो वो आप ले लीजिए। तो उसे ड्रैग करके लेके चलता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी है कंपनी का लोगो होता है, बेसिकली उसी को ही डिफाइन करने के लिए रखने के लिए यहाँ पे यूज होगा, आप इसे जहाँ पे भी रखना चाहते हैं रख लीजिएगा ओके। ये आपका आपके यहाँ पे भी ऑलरेडी एक बार है। सरफेस फिनिशिंग का सिंबल, यहाँ पे आते हैं, अभी सरफेसिंग में आप जाएंगे ना मटेरियल रिमूवल, सब इसके आगे लिखा हुआ है, सिंबल के आगे उसका मतलब लिखा हुआ है ठीक है। मॉडिफाइड मटेरियल रिमूवल प्रोहिबिटेड, तो ये नहीं है मटेरियल रिमूवल यहाँ पर नहीं करना है। आप कहाँ पे रखना चाहते हो, कौन सी जगह पे है ना, तो इस वाली सरफेस में मुझे ये सिंबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आ जाएगा। बाकी इन सब वैल्यूज़ हैं, आप अगर फिल करना चाहते हो तो ये सब वैल्यूज़ हैं, सबका मतलब होता होगा वो आपको डालना पड़ेगा ठीक है, जैसा 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 वैसे आपको चाहिए। सरफेस फिनिशिंग के लिए है कि किस पोर्शन पे कितनी मशीनिंग करनी है और क्या वहाँ पे फिनिशिंग आनी चाहिए। एरिया फिल, एरिया फिल ये कलर फिल करने के लिए है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें एरिया सेलेक्ट हो गया है हैचिंग की तरह ही और अप्लाई, तो यहाँ पर कलर आ जाएगा, कलर नहीं आया अभी, हैचिंग ही आ गई। मैंने डबल क्लिक किया, एडिट करते हैं यहाँ से, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से ये आ रहा है सब कुछ, आप सॉलिड फिल ले लीजिए और सॉलिड फिल में अप्लाई, तो ये अप्लाई हो गया। और यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर लीजिए ओके और ओके, ब्लैक आ रहा है ये आएगा चेंज, सॉलिड फिल कलर तो ठीक है, चलिए हो सकता है दिखाई ना दे रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन ये कलर यही है, वही आएगा जो हमने सिलेक्ट किया है ना
तो ये था एनोटेशन का। तो डायमेंशन और एनोटेशन और टेबल, ये तीन चीज हम लोगों ने करके देखी है, इन्हें आप कर लीजिए। बाकी ये टाइटल तो आपका बचा हुआ थोड़ा सा, ये कल देख लेंगे, ठीक है ना। बाद में जी इसमें